राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया है, जिसके बाद सीएम साय ने मीडिया से चर्चा कर अपनी बात रखी। सीएम साय ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली सरकार की तुलना में 8 महीने में अच्छा काम हुआ है। सारे अधिकारी मन लगाकर काम कर रहे हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो रहा है, इसकी चिंता कर रहे हैं। वहीं बस्तर को लेकर सीएम साय ने कहा कि बस्तर के विषय में सभी लोगों को मालूम है, 5 संवेदनशील जिले हैं। 8 महीने में हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। डबल इंजन सरकार का लाभ मिल रहा है, सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पहुंचाया जा रहा है और इसका परिणाम भी हम लोगों को मिल रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले समय 8 महीने में जो अपराधों की जो सुस्थिति थी, जो परिदृश्य था, और आज हमारी सरकार ने 8 महीने में जो अपराध के जो आंकड़े हैं उनमें अगर तुलना करें तो हमारी सरकार में अपराधों की संख्या काफी कम है, कानून व्यवस्था अच्छी है और हमारे सभी अधिकारी मन लगा के काम कर रहे हैं, सभी कानून व्यवस्था ठीक रहना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ का समुचित विकास हो इसकी भी चिंता कर रहे हैं कि बस्तर के जो 5 जिले हैं, संवेदनशील जिले हैं, जिसमें आपका दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर और कांकेर का कुछ हिस्सा है, जहां आज भी नक्सलवाद है, लेकिन लगातार 8-9 महीनों में जो हम लोग मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें डबल इंजन सरकार का भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री 2-2 बार 8 महीने में यहाँ पर आ चुके और हम लोगों का हौसला अफजाई किए, हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए हैं और इसका परिणाम है कि नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और नियत नेलानार योजना, आपका अच्छा गांव योजना का शुरुआत किए हैं, जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उसको प्राथमिकता के साथ उस क्षेत्र में लोगों तक घर घर पहुंचा रहे हैं।